yeah, that's the kind of money I want in my account right now. It's a crazy amount. आएगा. अच्छी बात. रातों रात मैंने सपने देखे, क्या सिंगर बनेगा, क्या एक्टर बनेगा. सर ऑफिस ले लो सर, कल को आपका फिल्म शुरू हो जाएगा. तारे गिन गिन यार तेरी, वो कब भाई सेट है वो. Hello, thank you so much, bro. Thank you, thank you, thank you. And the other artist with us is Pratik Gandhi. This is Pratik with double E. Yes. हम ताली मार रहे हैं, आप अपने घर बैठे ताली मार सकते हो. मेरे को नहीं पता हम ताली क्यों मारे. पहले आप कमेंट ताली मार दो, आप कमेंट ताली मार दो, हां जरूर मारो. गुड टू हैव यू गाइस यार, थैंक यू फॉर कमिंग इन फॉर दिस एपिसोड. इट रियली मींस अ लॉट टू मी. मी टू ब्रदर, मी टू, मी टू. यू डोंट नो दिस, Vyomai and I have worked together on the song. Yeah, yeah. We've done the song Q. And did Pratik bhai get the... Yes, and... So, indirectly, what is Pratik bhai as well? Back end. Back end. Who was Pratik bhai? Guys, please introduce yourself. Hi guys, this is Vyom Singh Rajput. बेसिकली सिंगर कंपोजर एक्टर, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ. मौका मिलता है तो गाना भी गा लेता हूँ. मौका देने के ऊपर है. मैं जौनपुर से हूँ, छोटा शहर है बहुत यूपी में. और जर्नी बहुत सिंपल से रही है, ट्रेन पकड़ा, मुंबई आ गया, अब गाने गाता हूँ. तो गाने अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. आई विल पास इट टू मिस्टर प्रतीक. लाइक शेयर मेरा नाम प्रतीक गांधी है. मैं राजस्थान की बहुत छोटे से विलेज से हूँ, तलवाड़ा. डिस्ट्रिक्ट का नाम है बांसवाड़ा. 2010 से मैंने म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट की थी. 12 में मैं मुंबई आया और इट्स अ लॉन्ग वे. म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर, सिंगर, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना एक अलग टास्क है. बट या राइट नाउ आई एम हियर. मोहित भाई, थैंक यू. हर इंसान के लिए ना आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. नहीं हो पाता, ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग. क्या बोलेंगे? मेरे को भी बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. साइड प्रोफाइल लेफ्ट राइट सीधा. इंट्रोडक्शन के टाइम पे ना हम स्टे हो जाते हैं. हम लोग कैसे करें ये? हाय, मैं मिस्टर प्रतीक गांधी. सारी सारी रात जागे. बट यार, thank you guys for coming in. It really means a lot. On this episode, we get to know you all a little bit more. Okay? And there are people here who probably have not heard of you. There are people here who are here because they love your work and they want to know a lot about you. So, how are we going to get? First, I want to understand. See, journey, everybody kind of has a dream. Okay? So, सबसे important चीज़ है जो वो भी इन शोले करते हैं, वो है वेरी शब्द लेते हैं. शपथ लेता हूँ बिल्कुल सामने. ये मेरा टू मच पर्सनल ओपिनियन है. बिल्कुल अपने पर्सनल पे तो लेके मत जाना भाई. जो भी सुन रहा है इसको, ये इनका पर्सनल ओपिनियन है. आप पर्सनली, आप पर्सनली बदल लो बस. ओके, सो आई वांट टू नो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट थिंग्स. इट कुड बी एनीथिंग जो आप पर्सनली बोलते हो, आप बोलते हो. सी, आई एम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. ओके, एंड हम गाने गाते हैं, इंडी गाने गाते हैं. देन जब हम थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं, ठीक है, अभी नहीं है सॉरी, जब हो जाते हैं तो हम ना अपना जोन चेंज कर देते हैं. हम अपने आप को बदल देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए. बिकॉज हम फेमस हुए हैं उस चीज़ की वजह से जो हम हैं. देन वी यूज टू चेंज इट टू आर इंडस्ट्री. जैसा वो हमको नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं. उसके बाद हम नाचते 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 कहीं और पहुंच जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हु वी आर, वी शुड स्टैंड बाई आर सेल्फ. हमें किसी और के बीन के आगे नाचना नहीं चाहिए. दिस इज माई ओपिनियन. मेरे पास इसके लिए कोट भी मैंने लिखा था बहुत पहले. हम लोग को ना कड़ी का पत्ता नहीं बनना.
बिल्कुल और मैं इसकी माँ के सबसे पहले निकाल के फेंका जाता है क्या बात है क्या बात है क्या बात है एक आर्टिस्ट जैसा अपने आर्ट को ट्रू फॉर्म में रखता है ना वो नेचुरली भी वैसे ही होना चाहिए जैसा जैसा उसका म्यूजिक है या जैसा उसका आर्ट है जैसा उसका एक्ट है अगर आपने दोनों दोनों चीज़ों को ओरिजिनल रखा है मुझे लगता है टाइम लगेगा बट आप ऊपर ना सस्टेन ज़्यादा कर पाओगे अब उसको कोई कितना भी बोल ले उसको फर्क नहीं पड़ रहा है है ना ही इज दैट ट्रू आर्टिस्ट एंड आई थिंक ही इज सस्टेनिंग अ लॉट मोर देन अदर आर्टिस्ट और बाकी लोग सिर्फ तारीफ करते रह जाते हैं बात करते रह जाते हैं अपग्रेड होते हैं अपडेट होते हैं डिग्रेड होते हैं ऊपर नीचे होते हैं आते हैं चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है किसी को मुझे लगता है कि आपको वैसे ही रहना चाहिए जैसे आप हो है ना ये आपको आ गई है अगर इसके ऊपर चढ़ गए तो ये आपको इससे ऊपर इस अपने ऊपर से निकाल के फेंक देगा वेरी इंटेंस आई टुक टू थिंग्स आउट ऑफ इट फर्स्ट इट दिस गोस फॉर ऑल आर्ट यस हां नॉट जस्ट फॉर सिंगिंग यस यस ऑल एवरीवन आई पर्सनली फील विद टू एक्टिंग आई हैव बीन एन एक्टर एंड आई एम एन एक्टर यस यस एंड आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ एक्टर्स हु पुट अप दिस फसाड ऑन कैमरा राइट एंड इट इज क्रेजी हाउ देयर पीआर इज वर्किंग एट इट वो एक्चुअल में ऐसे नहीं है नहीं उनके पीआर उनको ऐसा प्रमोट किए हैं कि अब वो अपनी एक्चुअल लाइफ जी नहीं पाते इट्स इनसेन राइट यू नो राइट दे आर नॉट रियली लिविंग द ट्रू सेल्फ यस Now they're not just acting on screen but also off screen. Yes, and you know that takes away your art somewhere yes. down the line. And आपको एक पता चलता है ना कि कोई artist थी 2-3 साल रहा और कहाँ गया? ढूंढते रहो उसको. ये कहाँ गया? अभी तो आया था. वो यही है हालात. I also personally feel कि actors को acting सिखाई नहीं जा सकती. Same is. I feel कि ये कला already अंदर है लोगों में. उसको brush कर सकते हो. Polish कर सकते हो. Polish. Shine कर सकते हो. Shine. चमका सकते हो. If you are not an actor, you're not an actor. जितना भी कोशिश करो उसे सिखाने को नहीं कर पाएगा. नहीं कर पाएगा. All right, we've received some two very intense and great movies. We actually sit down, think about it. It's actually pretty great. Thank you both of you. Now we move on. क्योंकि हम इसके ज़्यादा हम इसके लिए अटक गए क्योंकि बहुत जल्दी लोग ना. हाँ हाँ. And बोल कैसे दिया तूने? ऐसे कैसे? हम भी सोच करेंगे. और हम ना काफी अर्ली स्टेज में बॉयकॉट होने थे हां वो रिस्क उठाने के साथ वी साब योर जर्नी यू नो लाइक यू सेड यू कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन हाउ डिड दैट स्मॉल टाउन बॉय यू नो टेक अप सच बिग ड्रीम्स एंड इज लिविंग दैट ड्रीम टुडे हाउ डिड दिस हैपन सी माय यू नो मी भाई साल हो गया हां हो गया सर पता नहीं चलता साला ऐसे टाइम बीत जाता है दिस इज़ मुंबई सो मैं आया गाँव से मुझे शुरू से था कि मुझे यार म्यूज़िक ही करना है कुछ दिमाग में नहीं था म्यूज़िक ही करना है जो होगा देखा जाएगा बॉम्बे में आके सबसे पहले तो चूना लगता है सबसे पहले दिस इज कॉल्ड सो कॉल्ड चूना फॉर मुंबई इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इफ़ यू आर एन आउटसाइडर आप आओ माल भरो सबसे पहला सब भर के जाए मैं मेरी जेब पूरी खाली रातों रात मैंने सपने देखे क्या सिंगर बनेगा क्या एक्टर बनेगा सर ऑफिस ले लो सर कल को आपका फिल्म शुरू हो जाएगा आदर्श नगर पे खड़ा होकर कितनी अरबों की चाय पिला दी मैंने सर लोगों को तो ये सब मैंने कांड किए फिर 5 साल बाद मुझे रिलाइज हुआ 5 साल जब जेब खत्म सब खत्म घर का पैसा खत्म बाप की गालियाँ शुरू माँ की गालियाँ शुरू बेटा अब तेरा टाइम हो गया है अब घर आ जा नौकरी कर चाकरी कर मैंने कहा अच्छा मम्मा आ रहा एक एक ट्राई और एक ट्राई तो लकीली ऐसा करते करते फिर मैंने सोचा यार आई शुड क्विट फर्स्ट मैं यहाँ आया था इनटू सिंगिंग बट ट्रैक डाइवर्ट कर दिया लोगों ने डाइवर्ट कर दिया एक्टिंग बनो प्रोड्यूसर बनो प्रोड्यूसर में बहुत पैसा है पैसा जहाँ दिमाग में आया माया घूमने लगी सर पे पैसा छापना है भैया कमाना है पैसा बम्बई आए तो पैसा चाहिए ना उड़ाने के लिए तो कैसे कैसे करके सर्वाइव किया आई हैव बीन थ्रू वेरी बैड टाइम्स ऑल्सो रहने के लिए पैसे नहीं थे और एक एक्चुअल में नहीं थे दोस्त के घर पर रहता था उसको रेंट भी नहीं देता था उसके घर का राशन भी नहीं देता था तो उसने मुझे बहुत 6 महीना सपोर्ट किया देन सडनली मैजिक हैपेंड मुझे एक गाना मिला एक म्यूज़िक वीडियो मिला करने के लिए फिर वहाँ से थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ी तो मुझे ऐसा बिलीव हुआ कि नहीं यार मैं जो पहले एम लेके आया था ना म्यूज़िक का मुझे वही करना चाहिए
आई शुड नॉट डू दिस ऑल दिस लाइक चूतिया पा साला, मुझे नहीं करना ये सब यार, एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करना, सिंगर हूँ सिंगर बन के रहो, जो मेरा आर्ट है मैं उस पे let's stick to that यार। लोग कहते हैं ना लोगों की गांड में खुजली होती है, तो वो नहीं करना भाई। तो मुझे मैंने अपनी खुजली में आयोडेक्स मल दिया, मैंने कहा नहीं करना मुझे कुछ भी, तो फिर मैंने वो छोड़ के मैंने सिंगिंग पे किया, और आज गणपति बप्पा जो भी चल रहा है भाई उसी की दया से चल रहा है। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड भाई व्हाट इज सो यू कम फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान एंड दैट प्लेस हैज अ लॉट ऑफ फोक सिंगर्स एंड fucking A singers, okay? True. And there are movies about this also, series also yeah. about this. There are also a lot of people there who've not gotten the limelight that they should deserve, right? So you've come here, you've worked really hard, got yourself a flat. I've been to that flat. Thank you. Love it. Love your studio, okay? So, you know, from that small town to making it this big, how does it feel, bro? How does it feel? What's been your journey like? सी जर्नी, आई थिंक जर्नी इज डिफिकल्ट, ऑलवेज डिफिकल्ट होती है जर्नी हमको। एग्जाम्पल हम कहीं से भी, जैसे मेरे घर से इसके घर से ये मेरे घर तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, जर्नी डिफिकल्ट ही होगी आपकी। आपको जर्नी में कैसे इंजॉय करना है, क्या उसको चेरिश करना है, क्या उसमें से याद रखना है, क्या भुला देना है, क्या इंटरव्यू में बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, कितने तक आपको खोलना है, इट डिपेंड्स ब्रो। सो मेरी जर्नी अगेन रोलर कोस्टर राइड सबकी होती है। जैसे क्विट किया आया, सब क्विट करते, मेरे को लगता है क्विट करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। अगर हम क्विट नहीं कर रहे होते ना, तो मुझे लगता है वापस अचीव करने की हिम्मत भी आती है। सही बात है, सही बात है। क्विट करके ना अंदर जो रेज आता है ना, सब खुजली मचती है, इसको मैं पाऊंगा लेकिन अभी मैं कमज़ोर हूँ। क्विट करने के बाद मैं एक दूसरा रास्ता पकड़ूंगा, और जब मैं वापस आऊँगा तो पूरा के पूरा मेरा होगा, वो पूरा मेरा होगा। मैंने भी क्विट किया, डेफिनेटली मैं खाली सिंगर तो बनने आया नहीं था। मेरा पहला जो ये था कि मुझे अपने ओरिजिनल्स बनाने हैं, मुझे अपने खुद के गाने बनाने हैं। मैं म्यूज़िक में आया 2010, मैंने स्टार्ट किया, मैं राजस्थान में था, मैं म्यूज़िक में नहीं था। ओके इंटरनली अगर मैं स्टोरी बताऊं तो हम पूरा खानदान बैठ के जब पिक्चर देखते थे तो VCR पे ना स्किप करते थे गाने। अच्छा, हमको गाने नहीं देखने, हमको एक्ट देखना है, पिक्चर देखनी है, कुछ एक्शन आएगा, क्या चल रहा है, हटो हटो आगे बढ़ो। लिटरली ये किया है पूरा बचपन में, ये किया है। आज मैं बोलता हूँ मुझे भी ऐसी आती है यार, सच में हमने गाने स्किप किए, उसी के प्रोफेशन से। आप देखो आपने लिटरली स्किप किया है। और फिर जब मैं म्यूजिक के अंदर आया कि मुझे ऐसा लगा कि म्यूजिक वॉज माई एस्केप, कि मैं अपना जो रियल लाइफ जी रहा हूँ, मुझे शायद उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि बहुत डाउन है, मज़ा नहीं आ रहा, चीज़ें नहीं हो रही, कुछ और करना था, कुछ और हुआ नहीं, पढ़ाई कर रहे हो आप, ग्रेजुएशन कर रहे हो, BBA फाइनेंस पढ़ रहे हो, बट इंटरनली फील कर रहे हो कि यार मैं शायद मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं कोई नेचर ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी। अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं शायद एक लाइफलेस जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे वो चीज़ को कहीं ना कहीं से अचीव करना चाहिए। कॉलेज में आया, ग्रेजुएशन कर रहा था, देखा लोगों को गाना गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता। आप कहीं भी लेके बैठ जाओ, शांति में अपना शुरू बजाओ, आप अपना गाना गाओ, बनाओ, जो करना है करो, वो आपके साथ है, आपका तार, आपका गिटार, आपकी आवाज़ जो है, आप लेके बैठ जाओ। मैंने गिटार उठाया, पहले तो घर वालों से बोला था गिटार चाहिए, नहीं दिया। तो मेरे पास उस टाइम पे 6270 था फ्लैप, मेरे को आज तक याद है, क्योंकि पहली चीज़ तो याद होती है आपको, बाकी भूल जाओगे आप दो चार बारी। नोकिया का वो जाके बाजार में बेच के आ गया उसको, बढ़िया 1200 फोन लिया और गिटार उठा के लाया, मस्त एकदम, वो चेरी कलर का गिब्सन नहीं कॉर्ड का। उस टाइम पे नई नई ब्रांड थी, देखी थी, मतलब अच्छा गिटार है, कलर भी अच्छा है, शाइनी है, उठा के लाया इसको, सीखना स्टार्ट कर दिया, हो गया वहाँ से धीरे धीरे। वो एक अलग प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ तक चीज़ें हुई, लोग मिले मुझे, बोला कि यार तू टेक्निकल इसमें जा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू शुड नो हाउ टू रिकॉर्ड दिस इंस्ट्रूमेंट्स, मेक इट यू नो कन्वर्ट इन टू लाइफ, जहाँ पे लोग आप सुन रहे हो तो एक 10 इंस्ट्रूमेंट को सुन रहे हो, तो तू सोच के वो 10 को तू मिक्स कर रहा तो क्या होगा। तो मैंने सिंगिंग ऑलमोस्ट छोड़ चुका था तब तक, कि यार मैं मुझे गाना नहीं है अभी, मैं काम करता हूँ, मैं बैकएंड पे जाता हूँ और मैं ना ये बनाने की प्रोसेस में जाता हूँ। मुझे ना रूट्स तक आने में मजा आता है कोई भी चीज़ की, ये शुरू से रहा है कि रूट्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। करेक्ट, तो अगर आपकी रूट्स स्ट्रांग है तो पेड़ तो बनेगा, फल तो मिलेगा, फल खाओगे भी और बांटोगे भी, आज वही हो रहा है। तो म्यूजिक प्रोड्यूस किया, कंपोज किया, करता गया। 18-19 में जाके मैंने वापस सिंगिंग स्टार्ट करी। सोचो 2010 के बाद 12th में आया, 2012 से लेकर पूरा 18 तक ड्रॉप, सिंगिंग किसी को पता भी नहीं था कि मैं गाने गाता हूँ। मेरे साथ के लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी मैंने उनके सामने नहीं गाया। 19 फेसबुक आया मेरे पास, स्टार स्पोर्ट्स आया मेरे पास,
मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, बड़े प्रोजेक्ट्स किए। इंस्टाग्राम स्टोरी पे जब म्यूजिक आया था, लोग नाच नाच के डाल रहे थे, तब उन्होंने नया नया म्यूजिक खरीदा, मैं भी था उसमें एक पार्ट। वाह, मेरे कुछ 80-90 ट्रैक्स हैं उनके पास। तो इनिशियली वहाँ पे हमारे सोल्ड आउट हुए थे, उसके बाद लेबल्स के गाने आए, उसके बाद दूसरे गाने आए जिन पे बाद में स्टोरीज आई, फिर रील्स आए, सब चलने लगा, कार्यक्रम जो भी चल रहा है। बट दैट वॉज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग यू नो, बिकॉज मुझे पता नहीं था मैं किसको गाने दे रहा हूँ, क्या हो रहा है, इसका होगा क्या। बोलता कि नो ब्रो, देयर विल बी समथिंग जहाँ पे नॉन कॉपीराइट स्टफ होगा, पीपल विल बी यूजिंग योर सॉन्ग्स, यू जस्ट चिल, टेक योर मनी। How old were you when this change happened? Like 2018? 2019. अभी right now I'm 32 started. तो कितना होगा? I think 27, 26. Yes. और मैं music में जब आया तब I was 20. So is it safe to say that जो लोग 25, 26 के age पे जो डर के रहते हैं कि it's not the right time to make a career change? Is it safe to say कि look at me man, I made the change today, I'm happy and doing great for myself? मुझे ऐसा लगता नहीं कि एज फैक्टर कहीं पे भी इस चीज के अंदर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्ट। आप जिस जगह पे हो और आप या तो उनसे सीख रहे हो, या आप उनसे ईगो क्लैश पे हो, या उनसे तो उनकी तरह चूते बन रहे हो, जल रहे हो। अच्छा हाँ, ये जो फैक्टर्स है ना, मैंने बहुत नोटिस किए। मेरा क्या था भाई, तो ऊपर जा रहा है, फक यार ऊपर जा रहा है, ऊपर गया यार, कैसे भी गया, हाँ ऊपर गया, हाँ खत्म। जब जा रहे हो अगेन, वो जर्नी है आपकी। करेक्ट। इसमें आप जो भी कैरी करते हो ना, वो आपके साथ रहेगा, ऊपर फॉरएवर रहने वाला है। Because that's the package you carry. Yes. Yes. Again, this is, आप मेरे के नाइवनेस बोल दो, या कॉल मी नाइव और कॉल मी स्टूपिड, आई डोंट अंडरस्टैंड, इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड एन इंडी आर्टिस्ट द सेम और नो? सेम, इट्स द सेम, सेम, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जस्ट मींस यू आर नॉट साइंड विद एनी लेबल और रिकॉर्ड। करेक्ट। मैं बताता हूं और आपको एक चीज, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का जो एक्चुअल डेफिनेशन मैं बोलना चाहता हूं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मींस मैं इंडिपेंडेंट हूं, अगेन इन द वेरी बेसिक फॉर्म, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपना ही म्यूजिक करूंगा, मैं अपना ही आर्ट फॉर्म लेके आऊंगा, आप मेरे को कितना ही ज्ञान दे लो, एंड दैट आर्ट फॉर्म फ्री हूं, एनीथिंग, इट कुड बी अ रैप, यस, इट कुड बी द काइंड ऑफ सॉन्ग्स यू डू दैट इज इंडी म्यूजिक, यू विल स्टिक टू, राइट, एंड it could be anything, anything. But it could not be commercial. Yes. So I'll tell you again the commercial ka definition in very short term. Explain it to me. देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे को चार लोग सुन रहे हैं जो मेरे साथ रेजोनेट कर रहे हैं, बेसिकली मेरी फ्रिक्वेंसी पे सेम रेजोनेट कर रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं कि यार ये कहीं ना कहीं बंदा सही बोल रहा है, या ये हमारी बात कर रहा है, या इसने हमारे दोस्त की बात कर रहा है, ये सेम फेस से जा रहे हैं। फ्रिक्वेंसी बेसिकली म्यूजिक वही होता है। जब आप बहुत सारा मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट करते हो ना, that time you become commercial. Exactly. Bro, very simple. Vyomay, I also wondered, because considering this, okay, I want to know, क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि यार commercial is something that I should do, because there is better you know, in the current scenario, अभी people prefer commercial artists more than indie artists. तो कभी आपको ऐसा feel नहीं हुआ कि यार मेरे को I should make that change in music and I should? If I make commercial music, I'll be in the same league जिसमें पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्री आर वर्किंग मोनोटोनस कमर्शियल, तो वो भीड़, लोकल ट्रेन, वही आदमी रोज उसी बोगी में चढ़ रहा है, वही अंधेरी स्टेशन उतर रहा है, वही बांद्रा उतर रहा है, मुझे नहीं करना वो। मुझे फर्स्ट क्लास में भी नहीं जाना, मुझे अपनी खुद की ट्रेन बनानी है, खुद की ट्रेन बना के उसमें खुद चलाना है, और उसमें पैसेंजर्स आके चढ़ें और सुने कि हाँ ये गाना व्योम सिंह ने या प्रतीक गांधी ने बनाया है। तो जब तक ये नहीं करेंगे ना, तो चेंज नहीं आएगा। So you basically don't want somebody to say कि यार मैं आज fast ले रहा हूँ या मैं आज slow train, नहीं यार मैं व्योम की train ले रहा हूँ। Exactly. यार it's नई train है। Exactly bro. Oh, nice. So I want to understand this, okay? For the longest time, I think a lot of people who are watching this will you know will be like, हाँ यार ये ऐसी तो होता होगा। It's is it how does the whole song, if let's say Q, let's stick to Q because y'all were both a part of Q, I was also a part of Q, so I want to understand. To make a song, is it for me, I've always thought ki haan yaar singer ek lyricist banata hai gana, singer gaata hai aur producer le dikhata gana out. How do you earn out of it? Composer hi gaane banata hai basically. The music production is different. वो अलग है and that is a very important part, because composing is a bit natural, but music production is not natural. See, वो हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि हम पहले धुन सुनते हैं, जैसे भाई म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं तो एक, मैं सॉरी, मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं ना मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं, मेरे को नहीं पता, मतलब 10 लोग देख रहे हैं दादा, नहीं हमको 2 साल में कोई एक ही मिलता है जो पूछो भाई पूछो, जैसे योर सॉन्ग क्यों ढूंढे तुझे, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये इस ट्यून पे जाएगा, ये यू डिसाइड, कंपोजर,
whoever the composer is, ये गाने के लिए मैं composer हूँ और कोई गाने के लिए कोई और composer होगा, वही decide करता है कि मुझे इस scale पे गाना बनाना है. Simple. And is it the same person who decides कि इस पे कौन से drums रहेंगे, इस पे कौन से guitar? Depends, maybe. Suppose composer is not very good into music production, तो उसके लिए एक music producer अच्छा चाहिए जो उस गाने का justification दे, उस composition का justification दे कि यार इस पे यही music अच्छी लग रही है. Got it. So there are, अब हो गए दो जन involved इस पे already. इस पे दो cuts चले गए पैसे के. ठीक है, मैं सिंधी आदमी पैसे के थ्रू देख रहा हूँ. तो डिवाइड हो गए पैसे यहाँ पे. ठीक है, फिर आता है जो गाना प्रोड्यूस करता है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज से. उसका है कि ये गाना मैं बना, ये गाना आया मेरे पास, आर्टिस्ट सब रेडी है, मैं ये गाने का प्रोड्यूस करूंगा, इस पे जो एक्टिंग फैक्टिंग होगा मैं उसका देखूंगा, जो चाय पानी होगा मैं देखूंगा, अपने यूट्यूब पे रिलीज करूंगा. ये हो गया प्रोड्यूसर अलग. Sometimes you release it in your own channel. So that time you're only the producer. So you're playing two roles. समझ रहा हूँ मैं, अभी समझ रहा हूँ. ठीक है, हाँ. फिर अब let's talk about how do you guys, तो YouTube से तो earn हो गया चलो, but also you all put out your you have 50 million views on Wink. You have it's a big number भाई, 50 million. Yeah, that's the kind of money I want in my account right now. It's a crazy amount. आएगा. अच्छी बात. एंड यू हैव 10 मिलियन, दैट विल ऑल्सो डू इन माई अकाउंट, इज ग्रेट यार. सो हाउ डू यू गाइज अर्न आउट ऑफ विंक? इट्स बेसिकली, इट कम्स इन पैसा. इन इंडियन फॉर्म इफ यू कॉल, इट्स पैसा. पर स्ट्रीम इट डिपेंड्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 2.5, 3, 4 पैसे. पैसा पर स्ट्रीम दिस वे 1 मिलियन इफ यू गो, you I think you are earning some 27,000 rupees to 30,000 rupees from an Indian platforms, Wink, Gaana, Jio7, whatever, जो भी आपके इन platforms से आता है. Spotify is an international game, dollar से आता है, but again जैसे आपको किसी ने बोला कि Spotify का revenue कम होता है, why? Because foreign money जब आप इंडिया में लेके आते हो तो वो तो double हो जाता है sir, taxes लगते हैं आपको, double नहीं होता, कट जाता है, short हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से tax लगता है, फिर government लेके जाती है, फिर सबके बाद आता है TDS, तो बहुत सारा पैसा आपका कटता है. But there are not just the streaming platforms, there are a lot of things where music is being used. Cafes mein music bajta hai, mall mein music bajta hai, uske alag milte hain aapko royalties milti hai aapko. Agar suppose kar lo maine aapka ya aapka gana chala diya apne DJ night pe, maine main DJ hu, main proper DJ, kuch farak nahi padega. Aur agar suppose kariye aap log usi club pe hue, ha aapko pata hai ki maine aapse मैंने परमिशन नहीं लिया, आपको हमसे परमिशन की वैसे भी जरूरत नहीं होती है, लेबल से किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है. अगर वो हमारा है, जैसा कि उन्होंने बोला, अगर वो हमारा है, कॉपीराइट भाई प्रतीक गांधी और व्योम सिंह राजपूत, अगर वो है तो पूछ लो, और अगर नहीं पूछोगे तो मैं, नहीं पूछे तो मैं लीगली कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ, बिल्कुल फाड़ सकते हैं, लेकिन हम क्यों करेंगे भाई, मेरा ही तो गाना बजा रहा है यार, अच्छा तो है लेकिन फाड़ सकते हैं. तो ये आर्टिस्ट आर्टिस्ट वाली बात होती है, जब कोई डीजे परफॉर्म कर रहा होता है तो वो अपनी सेटलिस्ट पहले प्रोवाइड करता है कि बॉस मैं ये गाने बजाने वाला हूँ, तो रॉयल्टीज पहले ही आपकी जो भी इवेंट से होनी चाहिए ये मैथमेटिकली जानी चाहिए, एक्चुअली ये होना चाहिए. तो रॉयल्टीज के आपके अलग मिलते हैं? हाँ, रॉयल्टीज अलग होती है, रॉयल्टीज लाइफ टाइम होती है. सी व्हाई आई टेल यू रॉयल्टीज का मतलब क्या, वेरी शॉर्ट रॉयल्टीज क्या होती है. व्योम इज अ सिंगर ऑफ क्यू, क्यू का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको व्योम ने गाया है, कंपोज किया है, लिखा है, तीनों चीज़ें इसी ने करी है, म्यूजिक मैंने प्रोड्यूस कर दिया है, व्योम ने मुझे पैसे दे दिए म्यूजिक प्रोड्यूस करने के, लेकिन उसने अपने आप को जो पैसे दिए वो तीन टुकड़ों में बांट दिए, सिंगर कॉम्पोजिशन लिरिक्स जो उसको प्रोड्यूसर से आए, गाना गा के ये बंदा निकल गया तो इसकी आवाज़ जाने लगी. अगर ये बाय चांस सिंगर नहीं होता तो इसको कोई पूछता भी नहीं कॉम्पोजिशन के लिए. अब हम हार्डली लोगों को जानते हैं जो ट्यून कंपोज करते हो, लिरिक्स तो एकदम बाद में आता है, म्यूजिक प्रोडक्शन एकदम लास्ट में आता है, तो उनको मिला क्या, पीनट्स. उनको वो पीनट्स नहीं मिलते हैं जब गाना हिट होता है, बड़ा बनता है, रॉयल्टीज मिलती है उनको लाइफ टाइम, जो कि उस पैसे से बहुत बड़ी होती है अगर आपका गाना चला तो. इसीलिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तारे गिन गिन यार तेरी, वो कब भाई सेट है, वो सेट क्यों है, हर शादी मस्त है, हर शादी मस्त है भाई. आई एम ग्लैड यू नो, बिकॉज़ आई लर्नड अ लॉट टुडे, आई जेन्युइनली डिड, एंड आई एम गेसिंग दीस गाइस डिड टू, क्योंकि लाइक वी वर डिस्कसिंग, पहले तो इजी था यार, मेरे को बोला लेजेंड प्रूफ्स होते थे, हां मेरे पे इतने कॉपीज बिके, मेरे आ गए, अभी वो प्रूफ ही नहीं है, तो y'all are also losing out on money. Definitely, it's all data game. Now, know exactly how much stream we are getting. वही हमारे लिए. मैं बता, अगर मैं आप ही का गाना 50 बार सुन लूँ,
Is it counted as one stream or 50 streams? 50 streams. Because आप सुन रहे हो आपके अकाउंट से आपका IPA. It should be 30 second plus. देख लो भाइयों 30 second plus जो भी गाना सुनोगे 30 second plus तो जरूर सुनना. 30 second टाइम लगा के 30 second तो सुनना. यहाँ तक आ गए नाम ढूंढ लिया क्लिक कर लिया तो भाई सुन ले. 30 second तो सुन ही ले यार. फिर जजमेंट करो. फिर करो कि मैं आगे राउंड नहीं सुनूंगा शायद दूसरा गाना सुन लूं मैं इसका बट 30 second सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हर्ड योर फेवरेट सॉन्ग. Pradeep bhai, what's your favorite song or your lyrics that you've written that you love? I didn't write that particular song, Ankai Baate, but it's still my favorite. 2021 mein release hua tha. Uska ek line jis gaane ko kha jata hai pura, mere labo ka hai roza, iftar kara de. Oye, oye, kya baat hai, kya baat hai. मेरे लोगों का ये रोज़ा एक बार इफ्तार करा तो ये लाइन जब मेरे पास ये गाना जब लिखा हुआ आया था इतना तो मेरा लिरिक्स राइटर जो लिख रहा था उसको मैंने बोला था कि बॉस तूने एकदम बेसिक अगेन बेसिक चीज लिखी है बट बहुत ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव अगेन और ऐसी चीज है कि यार कोई भी बोलना चाहेगा कि यार मेरे लबों का ये रोजा इफ्तार करा दे अगर उसको नहीं बोल पा रहा है भाई मैं वो किस कर दे. हाँ, what a nice way to say smooch me. I'm gonna use this on my wife for Valentine's Day. खाना खिला दे. Very nice. That has to be your favorite song. अच्छा एक ऐसा see we I know this that every artist prefers live music over whatever. So I'm not going to speak to that. But there has to be one particular artist that you have dreamt of कि यार मैं इसके साथ ना एक बार एक performance करना चाहता हूँ. Who would that artist be? मेरे लिए तो रहमान सर हैं. हाँ. God. Same birthdays. Ooh. हमारे साथ एक और बर्थडेट भी शेयर करता है बंदा जिसका नाम है बताओ गेस करो रहमान सर का बर्थडेट 6 जैन मिस्टर बीन. ओह सेम डे ऑल गुड आर्टिस्ट्स ऑन दैट डे कपिल देव आल्सो सेम डे. सो मुझे ऐसा लगता है कि रहमान सर के साथ कभी ऐसा कुछ स्टेज शेयर करने का मौका मिल जाएगा क्रेजी हो रहा है भाई. वाओ आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे भाई. यस मुंबई आपके लिए एनी पर्टिकुलर आर्टिस्ट लेडी गागा टाइप्स नहीं विली लिस्ट बहुत सिंपल मैं sir only one and only Arjit Singh that's on share yeah. You stay with them properly totally dono aap log pk tun ho aur gao ha ha bol rahe ha pk tun aur kuch mat gao to haan hai sir to maal okay last question hai ye bhai ye na main aksar khud sochta tha theek hai tha bolunga kyunki ab married hu theek hai For the longest time, I personally believed that it would be a fucking fortune to date a singer or to be a singer because जब young रहते हो तब कि ना ऐसे वो ही चलती है लड़की 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 इसको कैसे पटाऊँ इसको कैसे पटाऊँ तो मैं ना बहुत time ऐसा होता था कि जब झगड़ा होता था ex girlfriend के साथ होता था यार इसको गा के अगर मैं वो singer होता था गा के उसको पटा लेता मैं ठहरा भाई Bollywood buff जो मूवी देखा हूँ वही प्रैक्टिस करता हूँ मेरी जितनी भी आज तक फ्लोटिंग स्किल्स रही है भाई जितनी भी मैंने अडेप्ट किया शाहरुख खान से फ्रॉम हिज ओल्ड मूवीज ठीक है दैट हैज बीन माय गेम प्लान ठीक है मेरा पर्सनल ये मानना है कि एनी गर्ल यू वांट यू हैव टू द ओनली वे टू देयर हार्ट इज थ्रू द ट्रिक्स ऑफ शाहरुख खान दैट ही यूज्ड इन हिज मूवीज ये मेरा ये पर्सनल बिलीफ है मेरा ठीक है भाई आना मेरे गुरु नहीं पर वो इट हैज ऑलवेज वर्क्ड फॉर मी ठीक है मेरे को लगता है कि ये एक एक चीज जो मेरे अंदर नहीं है जो कभी कभी गर्लफ्रेंड अगर गुस्सा हो जाए कुछ मैं गा के सुना दूं तो मजा आ जाएगा यार ये तो इसको पटाने का गाना चाहिए यू नो कि आप में वो हुनर है तो हैव यू एवर यूज्ड इट एज अ स्किल टू गेट समबडी नेवर क्या बात कर रहे हैं यार नेवर यार आपको अपनी टैलेंट के बारे में नहीं खबर ही नहीं है आपको क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि मैंने कभी अपना ये जो म्यूजिक था उसको उस वे में लेके नहीं गया इट वाज लाइक ऑल अबाउट आई वांटेड टू स्पीक व्हिच आई नेवर स्पोक मैं इंट्रोवर्ट इंसान रहा हूँ पूरे जिंदगी भर तो मैंने अपने जितने इमोशंस को ना ऐसे कैरी करके रखा है कि प्लेट में तो कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आपकी बंदी आपको एकदम इरिटेट कर दियो तो फिर वो वाला गाना जा चुरैल वो तो मस्ती में तो आप कुछ भी गालो यार फिर तो यार वो तो कुछ भी गालो भाग भाग डिगे बोल डिगे बोल डिगे बोल but I really want to know I want to understand this ऐसा कभी हुआ है क्या कि यार
आपके साथ हुआ है तो आप बोल दो ना फटाफट स्टोरी। हुआ क्या है भाई, करते ही हैं, करते रहते हैं। आप बहुत पिस ऑफ करते हैं, बहुत एकदम, मतलब हम गिटार ही से बजाते थे कि हम पटाएं, हम सेट करें भाई, सीधी बात। हम गाना गाते थे, हम पार्क में चले जाते गिटार लेके, हाँ कि कोई पढ़ जाए भाई पार्क में। नहीं कोई पढ़ नहीं जाए, गर्लफ्रेंड होती थी हमारी, और गर्लफ्रेंड्स होती थी लंबा वाले। वेरी नाइस, हम वेरी नाइस। गुरूर गुरूर नहीं किए कभी, गुरूर कभी नहीं किए, गुरूर नहीं किए, हाँ कभी नहीं किए। हमने ऐसा किया है, लाइव शो किया है कॉलेज में, एक गर्लफ्रेंड सेंटर में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, और तीनों को देख के गाना गा रहा हूँ, तो आज आज अगर वो देख रही है तो उनको आज पता चल गया कि वो किसके लिए था। नहीं वो तो उसी समय समझ गई थी कि मेरा कट चुका है। अच्छा अच्छा, आपका डायरेक्शन बार बार ऐसे शिफ्ट हो रहा तो पता चल गया होगा। नहीं नहीं उसके बाद नहीं, उसके कुछ एक आध महीने बाद पता चला। अच्छा पता चल गया, मेरा कट ही रहा था। अच्छा, और हम कट गए। अच्छा, सर यू वोंट बिलीव, मेरे पास फोन आते थे कि मुझे एक गाना सुना दो, मुझे नींद आ जाएगी। आप उसके पैसे लेते थे? नहीं सर, यही गर्लफ्रेंड थी सर, यही सिंधी मैन सीज नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वी सी बिजनेस। If you ask me, मैं पैसे लेता भाई। We're done with all the questions that I had to ask you. I don't think there's anything else left. और क्या ही जानूंगा आप लोगों के बारे में? और कुछ आप लोगों को बताना है? बस और क्या ही बताऊंगा, और क्या ही पूछूं आप लोगों को? So with this, we move on quickly to the gaming segment. ठीक है? दो अच्छे गायक आए हैं। Let's quickly move on to the gaming segment. This has been a, we've had fun, we've spoken a lot, but let's bring out your actual talents. ठीक है? हम खेलेंगे सिंपल से गेम जो हम हमेशा खेलते आए हैं बचपन से, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके मुपिंडन करना। We'll do that, but थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। Now it will not be कि आप जिससे एंड करो आपको उससे शुरू नहीं करना, it will be alphabetical. तो आप ए से गाना शुरू करोगे, वो जहाँ रुक गए उनका उनका मर्जी, जहाँ रुकना चाहे वो वहाँ रुक जाएंगे। आपको बी से ही गाना है, आपको मेरे को लगता है मैं हारूंगा क्योंकि मैं तो गाने वाने सुनना तो छोड़ दिया है। वेरी गुड। इसी बात से अगर आपको ऐसे लगे कि वो टिक टिक थ्री टिक टिक पा रहे, आपको मन करे कि आपको लग रहा है कि वो नहीं गा पा रहे, आप उनको शूट करिए। ये रहा आपका गन, और ये आपकी गोली। सर मुंह पे मत मारना, बाकी कहीं मारना। ये आपका गन सर, इसको लोड करना काफी आसान है। मैं आपको दिखा, नीचे से पुल करिए, ये हां ओए, तो लोड हो गई। ओ ये आपकी बुलेट, सुपर, ये आपकी बुलेट, क्या बात है। हैव फन, लेट्स गो। हु वांट्स टू स्टार्ट? यू वांट टू स्टार्ट? ओके प्रदीप भाई, वी विल स्टार्ट विद यू। इसकी मां यू स्टार्ट सिंगिंग विद ए। ओके इन 3 2 1। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूले खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। इतना सी इतना गाना पड़ेगा ताकि अगला वाला सोच सके। ठीक है, बी बी बचना ए हसीनों, जो मैं आ गया, बचना ए हसीनों, सी सोच रहा हूँ मैं क्या है, जो मैं आ गया। सी तो कुछ नहीं है, हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। हे हो सी, सी पे कभी हो सकता है ना हिंदी में? फिर केस आप क्या गाओगे? कर चले हम फिदा जनो तन साथियों, आप कर सकते हो, तुम्हारे वाले वतन साथियों। डी डी क्या बात है, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। Awesome. ई इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? आप फायर कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। बेचैन दिल को कैसे आराम दूं? इस प्यार से इंग्लिश अलाउड में गाने तो नहीं निकलेंगे यार ऐसे। आए वो आए हो गया। ई में क्या निकलेगा अभी यार? इना मीना डिगा। मैं गाने। तो मैं तो ई मतलब इस F F F. Fida, Fida, Fida. कुछ भी Fida.
ये ले. Well done though, well done. जी. कुछ तो है भाई. जी जी जी. मार दे ले. All right. With this, we come to the gaming segment. I hope you guys had fun. We also yes. at the end of the show. Superb. We're done. आज मैं जीत चुका हूँ क्योंकि मैंने अपना nerf gun और bullets प्रतीक भाई के हाथ कर दिए, हवाले कर दिए. आज से अपना टीम मैं हूँ. मैं वैसे भी सोच रहा था सीजन टू में हैम्पर्स दूंगा. इस एपिसोड का कोई हैम्पर था नहीं, तो यही गया. थोड़ा दुख हुआ. हाँ थोड़ा डर पर चलता है. Thank you guys. Thank you for watching this episode. This has been a crazy ass episode. Very, very informative. And also at the same time, it was fun. We learned a lot about mafia. We learned a lot about how singing works, how you earn out of this whole profession. And we met two great artists who are doing great in their genre. All genres that he says are a genre. Who's doing great at their whatever they are at. And I want to take this moment to thank you guys again. Thank you for coming. Thank it means thank a lot. Thank you so much for calling. Thank same you. Hi. Pleasure. With this, we come to an end. You know the fucking drill. Like, share, comment, subscribe. Sab log idhar dekho. Hit the bell icon. Idhar. Nahi padhna aata na to gawaro. Pata hai tum log ko yaar. Jao idhar. Subscribe karo. Like karo. Notification sare on karke rakho. और देखो कौन कौन लोग आ रहे हैं. हाँ. हाँ? ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है. थैंक यू सबको लाने के लिए. थैंक यू फॉर कमिंग. मींस अ लॉट. प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. कमेंट. यू प्रॉबली वॉचिंग दिस लाइव विद मी सो वी ऑलरेडी इन द लाइव चैट बट मेक श्योर यू डू द कमेंट कमेंटिंग ऑल्सो लेटर आफ्टर द लाइव चैट इज ओवर. शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर फैमिली. It might not be of any use to you, but maybe there's an aspiring singer who wants to learn something about it. So share it with them and get me my fucking money. I'll get that money only if you guys do the little bits of work that you'll have to do. That is just sharing and subscribing and hitting the bell icon or commenting. Do activities. Then do it. Video pe aate ho na, kuch na kuch activity karo. Kuch to karo yaar. Karo. Nalle baithe mat raho, dekhte mat raho. Aap ko nahi hoga isse waise dekh raho. Thoda haath bhi chalao. Haath bhi chala lo. Kuch bhi kar lo. See you guys. Take care. Until next time. See you next Sunday.